हेलो फ्रेंड्स, मैं आज हिंदी का छंद के बारे में बात करने चल रहा हूँ। छंद आप पढ़े होंगे और छंद आप सुने भी होंगे, बहुत बार पढ़े भी होंगे, तो उस छंद को आज हम डिटेल में बताने चल रहे हैं। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से उत्पत्त छंद, आखिर क्यों ज़रूरी है, क्या इसके अंग होते हैं छंद के, और क्या इसके प्रकार होते हैं। आज हम छंद को बताएंगे, छंद के क्या प्रकार होते हैं और छंद के अंग क्या होते हैं। अंग आप नहीं जानते होंगे, प्रकार जानते होंगे, पर छंद के अंग नहीं जानते, छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है नहीं जानते, तो इसको हम डिटेल में बताएंगे। तो मैं संतोष कुमार पटेल, आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस HD चैनल, जिस पर स्टूडेंट संबंधी हम स्टडी वीडियोज और कुछ मोबाइल कंप्यूटर संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। आप जरूर इस पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियोज मिलेगी। जाकर चैनल पर देखिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कम रस छंद अलंकार की वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाकर देख लीजिए, वो परीक्षा के लेवल के है, क्या क्या कितना लिखना है, वो वीडियो हम डाल चुके हैं। बस आज हम तो डिटेल बताने चाह रहे हैं उत्पत्ति सबको, तो आप इसको भी देख लीजिए, बाकी पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें मिल जाएगी, जो आई बटन पर मिल जाएगी ना, लास्ट स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए। तो प्राचीन काल में ग्रंथों के संक्षिप्त में कई प्रकार छंद मिलते हैं। आपने छंद को सोचा है कहाँ मिला, छंद जो है आपका ऋग्वेद में सबसे पहले मिला हुआ है, छंद शास्त्र में आपका ऋग्वेद में पहले, ऋग्वेद इतना पुराना है, ऋग्वेद में आपको छंद मिला हुआ है। और छंद जो है, छंद क्या है, छंद आपका अक्षरों की संख्या का क्रम है, मात्रा का गणना यति कर गति है, और संबंध विशिष्ट नियमों का नियोजित पद रचना, जिसमें मात्रा गणना होती है, यति होती है, गति होती है, और कुछ क्रम होता है संख्याओं का, अक्षरों की संख्याओं का, और विशिष्ट कुछ नियम नियोजित किए जाते हैं, उसी को छंद कहते हैं। और छंद के अंग में यही सभी होते हैं, तो अभी अंग बताएंगे। तो छंद शब्द छंदस शब्द से मिलकर बना, जिसमें छद होता है, और छद जो धातुगत, उसका भी तो मूल क्या होता है, जो अपनी इच्छा से चलता है, जो अपनी इच्छा से चलता है वही इसका स्थायी वाचन, जैसे शब्द को छंद के मूल गद का भाव होता है। इसके आगे बताते हैं, ये आपका प्राचीन वेद ऋग्वेद मिला है, इसका PDF आप पढ़ लीजिएगा, टोटल आप सबको दिया गया है। टोटल पद रचना में मापदंड कहा जाता है, और कठिन साधना में कविता का छंद योजना का साकार नहीं किया जा सकता, सभी पद में आपको छंद मिलेंगे, एक छंद से आपका पद बहुत ही अच्छा बनता है। छंद के अंग को चलते पढ़ते हैं, छंद में कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में हम चलते हैं पढ़ते हैं। छंद के अंग में आप देखेंगे, सबसे पहले गति होता है, क्या होता है, गति होता है। तो गति में आपका गति क्या होता है, पद के पाठ में जो बहाव होता है, यानी पद पढ़ रहे हैं आपकी जो बहाव होता है, कहीं बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, राग बहुत अच्छी तरह से बह रहा है, वही गति होती है पद में, वो जो छंद के कारण होता है। तो छंद में गति होती है, एक आपका ये हो गया खंड, उसका अंग यति होती है, यति में आप कहीं पर पद पढ़ते हैं तो रुकते हैं, वही यति होता है, रुकने विराम को। ठीक है, तुक, तुक आपको जो उच्चारण करते रहते हैं, जैसे कहते हैं चौपाई पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, इसमें रोही दोही बिसा पिसा गुण सुन, ये आपका तुक होता है। उसके बाद आपका मात्रा, मात्रा वर्णों में जो उच्चारण समय जो समय लगता है, बड़ा समय लगता है, छोटा समय लगता है, जैसे ई ऊद करता है, तो यही मात्रा होते हैं। मात्रा आपको दो प्रकार से लगाया जाता है, आपका एक लघु लगाया जाता है, लघु इस तरह से, गुरु इस तरह से, इसका मात्रा इसका मतलब एक होता है और गुरु का मतलब दो होता है। ठीक, तो इस तरह से लघु और गुरु का चिन्ह लगाया जाता है, तो लघु गुरु इस प्रकार से होते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, PDF इसका मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। और गण होते हैं, मात्रा के बाद आपका गण होते हैं, यही गण जो है सबसे स्पेशल है। गण आपको समझ में कभी नहीं आया होगा, क्योंकि आप गण में क्या होता है, गण सुविधा के लिए आपको गण जो है 8 बताया गया है, जिसमें यगण मगण तगण रगण जगण, इस तरह से आपका गण होते हैं। तो आप इनका डिटेल हम बताएंगे, आप अच्छी तरह जान जाएंगे। रगण मगण तगण के बारे में हम एक अच्छा से वीडियो लेकर आएंगे, उसी में बता देंगे, आप उसको जान जाएंगे, उसको अच्छी तरह बताएंगे, पक्का जान जाएंगे, सूत्र से एकदम सिंपल जान जाएंगे कैसे होता है रगण मगण तगण। ये मात्राएं जो, जिसमें यगण में आपको पीछे दो गुरु एक लघु आगे, और मगण में तीनों गुरु हैं, इस तरह से इसको बता देंगे। छंद के प्रकार चलते हैं, छंद के प्रकार में देखते हैं। छंद के प्रकार आपका मात्रिक छंद होता है, और मात्रिक छंद में आप देख रहे हैं, मात्रिक छंद जो मात्राओं की संख्या पर निर्धारित करता है, वो मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, जो मात्राओं की संख्या पर काउंटिंग की जाती है, जैसे इसमें बहुत सारे होते हैं, अहिर तुमार मानव अहिरिल, इसे बहुत सारे पदार पटिका चौपाई पीयूष गण सुमेर राधिका रोला दिक्पाल रूपमाला गीत का और सरसी सार हरि गीत का टंटक वीराल्ला, ये सब होते हैं मात्रिक छंद, जिसमें से आपका चौपाई और हरि गीत का और रोला, इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद वर्णी छंद, वर्णों के आधार पर जो गणना पर आधारित होता है वर्णी छंद कहलाते हैं। वर्णी में जैसे प्रमाणिका संहिता भुजंगी सालनी इंद्रवज बहुत सारे हैं, इसको हम पढ़ते हुए टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या जरूरत है, जो मेन होते हैं उसी को बाद में आप पढ़ लीजिएगा। सवाया जैसे होता है इसमें कमेन, और कभी कभी आपको मिल जाएगा
कवित, तो कवित को पढ़ लिया, बाकी और इसमें कोई खास नहीं होता है वर्णिक छंद में। उसके बाद मुक्त छंद, मुक्त छंद जो होता है आपका भक्ति काल तक नहीं मिला था, स्थिति का नहीं था, उसके बाद आधुनिक युग की देन है। भक्ति काल के बाद आपका मुक्त छंद आधुनिक युग में आपको मिला। तो इसके प्रणेता जो है, इसके मान जो प्रणेता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं, और मुक्त छंद निर्बद्ध नहीं होते क्योंकि छंदगत से होते हैं। मुक्त छंद का उदाहरण ये दिया गया आपका है, ये कविता आपको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कविता को आप पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा, ठीक है, हम पढ़ेंगे नहीं, वीडियो बड़ा लंबा होगा। तो अब काव्य का काव्य में छंद का महत्व पढ़ते हैं। तो छंद के हृदय से सौंदर्य होता है, बोध होता है, और छंद से मानवीय भावनाओं को झकृत, मतलब झकृत या भावना जो होती है वो झकृत होता है और स्थावित होता है, सरस होने के कारण मन को भाता है, और निश्चित आधार पर आधारित होने पर सुगमता पूर्वक अंतस्थ हो जाता है। इतनी इसका आपका लाभ होता है, इसके अंग हैं। और इसके बाद छंद में आपका जो प्रकार होता है, प्रकार के बारे में हम चलते हैं बताते हैं। प्रकार में आपका जो होता है सोरठा छंद, ये आपका परीक्षक लेवल से सोरठा छंद, ये दोहे का उल्टा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। सोरठा छंद में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सोरठा का ये उदाहरण है, आप देखिए जो सुमिरत सिद्धि हो, 11 मात्राएं इसमें है, काउंटिंग कर लीजिए। बड़ी मात्रा को गुरु में काउंट करेंगे और छोटा मात्रा जैसे आ आ होता है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो बड़ी मात्राओं को आप गुरु में काउंट करेंगे, छोटे मात्राओं को आप लघु में काउंट करेंगे, अधिकतर यही होता है। इसका डिटेल आप जिसमें पढ़ के देख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें गुरु और जिसमें कम टाइम लगे उसमें लघु। आप पढ़ते समय गण नायक कबीर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिस्ट रस राशि शुभ गुण सदन, तो ये उल्टा होता है दोहे का, दोहे ये उल्टा पढ़ने में लगता ही है। तो ये आपका सोरठा छंद है, दोहे को पढ़ लिए सोरठा पढ़ लिया। स्पष्टीकरण, इस छंद में पहले और तीसरे चरण 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण 13-13 मात्राएं, इसलिए सोरठा छंद है इसमें। और इस तरह से 2-3 उदाहरण और इसमें दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप परीक्षा में लिख सकते हैं। रोला छंद पढ़ते हैं, रोला छंद समांतरिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होते हैं, 11 और 13 मात्राओं पर या तो होती है, या तो क्या बताया था विराम होता थोड़ा सा, तो 11 और 13 मात्राओं पर। तो आप ध्यान में रखिए, ऐसा मात्रिक छंद है, मात्रिक छंदों का प्रकार है। तो रोला छंद का उदाहरण जो है आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप रोला छंद यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ध्यान में रखिए कि 24 मात्राएं इसमें होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये रहमन मोहिन सुहाय अमि पियावत मानुवीन, इस तरह से आपका रोला छंद का यहाँ पर आपको देख लीजिए, ये है उदाहरण, ये है रोला छंद का। को पावें पंचत्व प्राप्त सुनि जग मगन धावत, 24 मात्रा इसमें देख लीजिए, गिन लीजिए। और बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद माचावत, पै ताकी ताकी लोत पटा के लट लावत, 9 2 11 होद 3 5 विसरावत। स्पष्टीकरण इसमें क्या है कि आपका प्रत्येक छंद 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति लगी हुई, इसका कारण है कि ये रोला छंद है, ये पहचान है। तो रोला छंद और चौपाई छंद भी पढ़ लीजिए, जिसमें चौपाई छंद हम नहीं लिए हुए हैं, तो आप इसका चौपाई छंद रोला छंद सभी वीडियो में एक बार डाल चुके हैं, तो हम पर्सनल फिर से लेकर चले जाए, क्योंकि हम सोचे कि एक बार इसका उत्पत्ति बता दें, कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो ऋग्वेद से उत्पत्ति हुई है इसकी धीरे धीरे, और आज तक पद्यों में यूज किया जा रहा है। तो वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो फिर तक मिले, तब तक को आप संतोष कुमार को जरूर याद करते रहिए, हमारे चैनल को टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। हमारे चैनल पर एक स्टूडेंट संबंधी और मोबाइल कंप्यूटर संबंधी वीडियो और उसके साथ साथ स्टडी संबंधी वीडियो हम डालते रहते हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मोबाइल हम कंप्यूटर जरूर सिखा देंगे, अच्छी तरह से सिखा देंगे, मोबाइल कैसे हैंडल, मोबाइल के हर एक वीडियो बनाएंगे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, आप चैनल पर जाइए, वीडियो बहुत अच्छी अच्छी मिलेगी। और कंप्यूटर की भी बनाएगा, कंप्यूटर का तो कोर्स हम चालू करेंगे, इस पर हम CCC और PGDCA DCA का नया नया कोर्स चालू करेंगे, लेकिन अभी केवल हम 5 से 12 तक का हम UP लेवल हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पैसा कोई नहीं लगेगा। और कमेंट जरूर कीजिए, भला बुरा कुछ भी कमेंट करिए, आप कमेंट करिए, और डिसलाइक लाइक कुछ भी करिए, कोई चिंता नहीं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बने टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल पर। नमस्कार।